सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 2007 में भड़काऊ भाषण देने के मामले में जी आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फैसले को सही बताया था लोअर कोर्ट के, और अब सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा चलाने देने से इनकार करने के फैसले को सही बताया है। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। अविनाश और जानकारी दें। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो 2007 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद थे तो उस वक्त की हेट स्पीच का ये मामला है, जिसके बाद अगर बात करें तो जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तो उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि तमाम सारे मुकदमे वापस दिए जाएंगे, और उसी को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जो मुकदमे दायर हैं उनमें ट्रायल हो, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट में पहले ही तमाम सारी दलीलें सुनी और उसके बाद अगर आप बात करें तो आज अपना फैसला सुनाया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा, और जो 2007 में उनके जो भड़काऊ भाषण का बयान का जिक्र किया जा रहा है उसको भी उसने सिरे से खारिज कर दिया है, यानी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जो निर्णय लिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सही ठहराया और मुख्यमंत्री को एक बड़ी राहत मिली है। बड़ी राहत है बेशक का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी बेंच ने ये फैसला दिया है अविनाश, और इसको लेकर लगातार राजनीतिक आक्रमण भी झेलते रहे हैं मुख्यमंत्री, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी राहत देने वाला है मुख्यमंत्री के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन अविनाश, इस फैसले को देते वक्त आधार क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। देखिए अगर बात करें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि जितने भी राजनेता उनके खिलाफ जो राजनीतिक के मामले हैं उसको वापस दिया जाएगा, और उसी को ट्रायल अगर बात करें तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुआ था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में तमाम सारी दलीलें रखी गई थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सिरे से खारिज कर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो निर्णय है वो ठीक है, क्योंकि तमाम सारे चुनाव के दौरान जब भाषण होते हैं उन भाषणों को लेकर तमाम सारे लोग मुकदमे दर्ज कराते हैं राजनीतिक वश के भी चलते, और इसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिए थे तमाम जी। ये बड़ी खबर है दिल्ली से, अविनाश हमें बता रहे हैं कि ये फैसला आया है जिसमें मुख्यमंत्री को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और मुकदमा चलाने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2018 के फैसले को सही बताया है, उससे पहले लोअर कोर्ट ने भी यही माना था कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है मुकदमा चलाने के लिए, और अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी इस पर मुहर लगा दी है। तो निचली अदालत, हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट, इन सभी ने इस मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। ये बड़ी राहत और ये महत्वपूर्ण फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संदर्भ में 2007 में भड़काऊ भाषण देने के मामले में उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी राहत, ये निश्चित रूप से एक संतोष की बात मुख्यमंत्री के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।